को अपना देखो, ये सेटअप बिग बार का। और अगर आपको मैं इसका प्रीमियम अभी दिखाता हूँ, फिर ब्लिश कैंडल बनाता है, फिर मैं शायद यहाँ पर एक कॉल लेके या कॉल पर स्कैल्प करने के लिए जाऊँगा। बाकी जो ट्रेड्स थे आपको मैं स्टेट वाइज चीज़ें समझाता गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा आपका दिन गया होगा और कम मंडे को काफ़ी ज़बरदस्त आपने ट्रेड किया होगा। तो आज मेरे लिए तो आज मंडे है और मैं अभी जस्ट उठाऊँ, मार्केट ओपन हो चुका था फिर मैं उठाऊँ, क्योंकि भाई कल था अपना सेलिब्रेशन, बहुत सारी चीज़ें बदल, बहुत बिजी थे यार, बहुत ही ज़्यादा दिन भर, मतलब सुबह उठने से परसों रात से ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एकदम खतरनाक वाला शेड्यूल। तो अभी मार्केट एक बार देखें, मार्केट ओपन हो चुका है भाई यहाँ, और मार्केट ये हाई रेजिस्टेंस के नियर अराउंड जा रहा है, नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया, ट्रैप किया, अब अंदर साइड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रैप करके थोड़ा सा नीचे आके फिर ये आप मूव दे सकता है। सो लेट्स सी अभी यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। अभी मैं चार्ट देख रहा हूँ फिर निफ्टी का, इधर हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, ये भी 9 EMA के ऊपर ये भी चल रहा है ओपन होने के बावजूद। और अगर हम बैंक निफ्टी बैंक को देखते हैं, थोड़ा सा ये हमारा हाई ब्रेक करके निकल चुका है, तो निफ्टी बैंक अगर निकला है तो फिर निफ्टी थोड़ा सा हमें दे सकता है मूवमेंट, तो फिर निफ्टी में हम जाते हैं कुछ ट्रेड लेके, लेकिन रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा पुल बैक आन दो, फिर ब्लिश कैंडल बनाता है, फिर मैं शायद यहाँ पर एक कॉल लेके या कॉल पर स्कैल्प करने के लिए जाऊँगा। सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू इन दिस ट्रेड। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट पुल बैक स्कैल्प हो चुका है और प्राइस केम डाउन और थोड़ा सा 5 पॉइंट के अराउंड का मेरे को प्रीमियम मिल गया। इसमें हमारा जो फर्स्ट ट्रेड में हमारा जो प्रॉफिट है 24,000 रुपये का, तो ये 95 के अराउंड पे इस प्रीमियम को उठाया था और इसी कैंडल में मैं 100 के अराउंड एग्जिट कर गया हूँ, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस ऊपर आ गया था। मैंने जो एग्जिट किया वो इस तरीके से किया, कुछ 5 लाख कैपिटल डिप्लॉय था इसमें, एक तरीके से मान लो हमने 2.5% का कुछ प्रॉफिट बुक किया, 95.5 उठाया था है ना, और थोड़ा सा प्राइस नीचे भी आया 1:1 के आसपास, 20 के आसपास लॉस भी हमें दिखा रहा था 20,000, लेकिन प्रॉफिट हमें दे गया 1:1, 24, तो काफ़ी सही स्कैल्प था ये 95, 98, 91। मैंने इसको मैनुअली एग्जिट किया है, बास्केट बना के नहीं किया, एक एक ऑर्डर करके एग्जिट किया, तो थोड़ा सा ये अलग अलग प्राइस पर एग्जिट हुआ है। बास्केट बना किया था करता तो शायद एक प्राइस में एग्जिट हो गया था। सो स्टार्टिंग विद द 2.5% मॉर्निंग, 5 लाख से सीधा स्कैल्प किया था और हमारा निफ्टी में थोड़ा सा पुलबैक का ही वेट कर रहा था कि पुलबैक आए एक स्कैल्प मारो, क्योंकि एकदम से कैंडल को नीचे आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको ऐसे कैंडलस्टिक की अगर नॉलेज अच्छी है, कैंडलस्टिक्स की समझ अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा स्कैल्प कर सकते हो। तो कैंडलस्टिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कैंडलस्टिक ट्रेडर हो तो। मैं प्योरली कैंडलस्टिक ट्रेडर हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक्स, तो कैंडलस्टिक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको छोटे स्टॉप लॉसेस लेना है, टाइम टू टाइम आपको एग्जिट करना है ट्रेड से, ठीक है। और अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, आज कहाँ पर क्लोजिंग देता है। अभी मैं लेवल और एक बार और बना देता हूँ मार्केट का। मैंने आपको तुरंत ये जो अपनी जो फ्री क्लासेस है उसके अंदर अपन ने कैसे एकदम से सीधे मार्केट ओपन होती है, कैसे लेवल ड्रॉ किया जाता है वो मैंने सिखाया हुआ है। अभी अपन ने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर दिया है, अभी देखो ये रेजिस्टेंस लेके आ गया है, यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले या 9 EMA पर सपोर्ट ले, फिर जाए फिर हमें मूव मिल जाए तो देखेंगे आगे। निफ्टी तो अभी थोड़ा बहुत साइडवेज है। दोस्तों दूसरा ट्रेड भी हमारे यहाँ पहुँच चुका है, मैं आपको जो चीज़ बोला था, प्राइस आएगा थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, 9 EMA के यहाँ से पुल बैक अगर लेता है, यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनती है मैं ट्रेड में जाऊँगा, तो अपन ट्रेड में गए और अभी हमारा जो प्रॉफिट आ चुका है 30-40,000 के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो 2:20, 1:50 कॉल ऑप्शन मैंने उठाई थी, 1:58 चल रहा है एट द मनी कॉल उठाई थी, तो देखो 70-75 के आसपास उठा के जो नेक्स्ट कैंडल 80-82-83 के अप्रॉक्स मैं इसको एग्जिट कर दिया, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए कर रहा था, कोई ऐसा होल्ड करना नहीं या कोई टारगेट नहीं, जस्ट स्कैल्प। जो अपना प्रॉफिट था उसका ही कुछ 50% स्किप है और उसकी अकॉर्डिंग 1:1 हमें मिली है, तो 40,000 के प्रॉफिट हम नेट ट्रेड अभी आ चुके हैं। देखते हैं ये रेजिस्टेंस ले रहा है, सो लेट्स सी क्या करता है मार्केट। दोस्तों यहाँ देखो काफ़ी जबरदस्त एक हमारे पास बिग बार सेटअप बना था, पर नीचे जगह नहीं थी तो उतनी खास क्वांटिटी में उठाया नहीं, तो नीचे कोई जगह थी नहीं तो उतनी खास क्वांटिटी में यहाँ पर उठाया नहीं, बट हमारा जो अभी प्रॉफिट आ चुका है 48,000, ये था हमारा पर्टिकुलर ट्रेड जो कह रहे हो 99,000 के प्रॉफिट के आसपास, 10-15 के आसपास कुछ प्रॉफिट मेरे को दे रहा था 15,000 के ऊपर, बट थोड़ा मैं लेट कट किया इसको। तो अपना देखो ये सेटअप बिग बार का, और अगर आपको मैं इसका प्रीमियम अभी दिखाता हूँ, प्रीमियम पे एक बार आपको लेके चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ मैं जो मैंने आपको बिग बार सेटअप पे एक अपडेट वाला वीडियो बताया था
कि प्रीमियम्स के अंदर कैसे आपको रेट करना होता है वो मैंने बताया था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा मेरा यूट्यूब पे। तो ये देखो, ये है प्रीमियम, प्रीमियम का चार्ट, ये ऑप्शन का चार्ट, ये हमारा स्पॉट चार्ट। प्राइस केम डाउन, ट्रैप, ट्रैप के बाद ये देखो बिग बार, इसके हमारे पास ईजी टारगेट जो रिसेंट सपोर्ट है इसलिए बना के रखा था। प्राइस नीचे आया, है नहीं मेक अराउंड, देखो बिग बार, यहाँ भी बिग बार बना है, ईजी टारगेट कहाँ का 50 हैप का प्रीमियम, 65, 68 तक गया, 65 गया है। तो सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो रिटर्न कितना इजीली आपको एक कैंडल में मिल जाता है। तो दोस्तों, मार्केट थोड़ा सा नीचे से एक वो दिया है, थोड़ा सा एक तरीक से कह सकते हो नीचे सपोर्ट ले, रिवर्सल दिया है। तो अभी अपन ने मॉर्निंग में जो प्रॉफिट हुआ था हमारे को अराउंड 40, यहाँ पे देखो जो हमारा जो मॉर्निंग का ट्रेड था ये वाला 24,000 ये एंड देन दिस, और तो हमारा जो पुट ऑप्शन वाला ट्रेड फिर निफ्टी में बना था तो 20,050 की पुट ऑप्शन एग्जैक्ट इस जगह पे, ये हमारा बिग बार आया तो इसके बाद एंट्री, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम स्टक जैसे हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम स्टक हो गए थे, ये चार्ट तो हमारा उसका है 20,100 का, मैं 20,050 की प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, उसमें भी सेम चीज स्टक हो गया था, तो मैं इधर कहीं पर कैंडल पर निकल गया था सपोर्ट एरिया के हमारे पास लाइन पर आ गया था। एंड देन निफ्टी में ट्रेड किया क्योंकि यहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखा, यहाँ पर बिग बार बना, बट इसमें हमारे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसमें 13,000 रुपये हमारे गए। कुछ क्वान्टिटी में यहीं पर एग्जिट कर चुका था, कुछ क्वांटिटी मेरे को यहाँ पर जाके एसएल तक निकलना पड़ा क्योंकि एंट्री करने के बाद ही मेरे प्राइस ने मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट वाला साइड कम दिखाया, मतलब दिखाया नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, नीचे आ गया था 9 EMA के, तो मैं एग्जिट मार गया, बट ये अभी ऊपर आ चुका है तो ये 75 के राउंड चल रहा है वापस से, तो काफ़ी सही है हमारी 70 के आसपास की एंट्री थी, और 67-65 पर मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके चले गया था 66 पे, तो हमारे यहाँ पर भी नेट नेट 45,000 पर हम अभी चल रहे हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, रिस्क आपको फिक्स रखना पड़ता है, रिवॉर्ड आप कम भी लेना पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है ना, तो रिवॉर्ड का बहुत बड़ा यहाँ पर गेम है डिसीजन मेकिंग का। तो तुम्हारा भाई आ चुका है जिम से, और कुछ भीगा हुआ टी शर्ट तो हम चेंज करके आते हैं, अभी नहाना है। आज था चेस्ट वर्कआउट, बहुत जबरदस्त चेस्ट वाली वर्कआउट कराई भैया हमारे ट्रेनर गुरुदेव ने, तो मजबूती हालत, कल रात भर में नहीं सोया था, है ना, कुछ परेशान आत्माएं रहती हैं जिनको परेशान करने की खुशी होती है, इसलिए तो भाई मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने लिए बार बार ये सारी रोज रोज का आपको दिखाना ना बड़ा बड़ा अमाउंट, ये बहुत दिक्कत देता है, हर किसी को लगता है कि यार तो बेहिसाब बना रहा है, बेहिसाब है इनके पास, तो रोज के बना रही है, इतना तो दे ही देंगे, तो इस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। कल बर्थडे था मेरा, कल की रात में ऑलमोस्ट 2:30-2:30 बजे तक जगह दिमाग खराब हो गया था मेरा, और रीजन समझ जाऊँगा आप क्या, परेशान आत्माएं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा मैं नहा धो लेता हूँ, फिर मैं अपना प्रोटीन पाउडर पिएंगे, कुछ बॉडी बनाएंगे पाउडर की। बाकी 12,000 से ऊपर है भाई, 12,000 प्लस मेंबर्स अपने फ्री कोर्स वाले उसमें आ चुके हैं, है ना, और उसका ऐप के अंदर आपको प्राइस 1,000 मिल रहा है, बंदे उसको 1,000 में भी ले रहे हैं, जबकि मैं कह रखा है कि भाई डीमैट अकाउंट ओपन करिए, फॉर्म सबमिशन करो, कुछ दिन को आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है, बट लोग उसको उसका पे कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो थोड़ा सा हम ऐड करने में हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैन्युअली हमें एक एक बंदा करके ऐड करना पड़ा है, और हमको वेरीफाई करना पड़ा है 12,000 पीपल में से कितनों ने डीमैट लिंक्स अकाउंट खोला है, कितनों ने नहीं खोला है, क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, और डाटा को मैच करना पड़ रहा है। तो देखते हैं उसको, ये 1 या 2 दिन के अंदर, मतलब इस वीकेंड में आपको इसमें लाइव क्लासेस चलने लग जाएंगी, तो जिसको मिल चुका है, जो जो उसमें आप ऐड होते जा रहे हैं वो सभी क्या बोलते हैं पूरा वीडियोस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा आगे को लाइव क्लासेस में, ठीक है, कैसे करना है, कैसे चीज़ें सीखनी है, कैसे डालना है, कैसे आप अमाउंट, किस अमाउंट से आप स्टार्ट करोगे, और कैसे कैसे स्टेप वाइज चीज़ें चलोगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इट्स गुड फॉर यू, आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मार्केट को, समझ में आ रही चीज़ें, तो आप फर्दर अपना व्यू रखो मार्केट के लिए, फर्दर अपनी सोच रखो कि यार मुझे मार्केट में मेरा फ्यूचर बन सकता है, अगर नहीं तो आप एक छोटा सा अमाउंट अपने आपको जो टेस्ट करने के लिए आपने दिया है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ मेरे से पॉसिबल है या चीज़ मैं डील कर सकता हूँ, तो आपको वहीं पर क्विट करना है। क्विट कब करना है आना चाहिए, ठीक है, अपना काम ये नहीं कि आओ आओ कदर करो, अपना काम अगर नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रही चीज़ें, तो आपको कब रुकना है ये आना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपना थोड़ा सा स्टडी टाइम, मैं कुछ यहाँ पर ये मार्केट विजार्ड है अपने कुछ पढ़ा है, कुछ कुछ पढ़ा है ट्रेडिंग द जोन, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, है ना, और ये चीज़ें थोड़ा सा अपना नॉलेज इससे थोड़ा शार्प रहता है, ताकि पढ़ाई आप भी पढ़ा करो। बुक्स सजेस्ट कर दूंगा मैं, कौन कौन सी बुक्स आपको रीड करनी है, मैं सारी लाइव क्लासेस के अंदर ऑप्शन डाटा एनालिसिस, ऑप्शन चेन डिकोडिंग, और आपका ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जितना है, स्कैल्पिंग माइंडसेट जितना भी कुछ है, जितना भी सारा कुछ है वो आपको मैं लाइव क्लासेस में सिखाऊंगा, रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी,
एंड फिर आप स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ट्रेडिंग के अंदर स्टेप रखोगे और कैसे उस ट्रेड्स को मैनेज करना है, तो सारा कुछ मैं आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस में देने वाला हूँ। तो आप ज्वाइन हो जाए मेरे फ्री कोर्स में, ठीक है। और कितने बंदे मतलब ऑलमोस्ट 12,000 प्लस हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि मेरे को कल मेरे पास जो बहुत बड़ी टीम है एक मेंबर की, तो उन्हें कितना टाइम लग सकता है उसमें। बट इस वीक के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैनुअली उनको सब एक बार दो दो फॉर्म तीन तीन फॉर्म आ रखे किसी किसी के, तो सबको पिक करके जो भी मतलब सबमिशन किया तो हम ऐड कर दें। और उसमें अपना पर हेड का, क्योंकि ऐप है ना, अपना ऐप नहीं है, तो ऐप के अंदर ऐप के चार्जेस पड़ते हैं, पर हेड का चार्ज पड़ता है कि उसको आपको क्या बोलते हैं इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जो उनके सर्वर पर लोड पड़ेगा, तो अपनी साइड से मैं वो सब चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ का प्राइस है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बट ऐप को उस 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें एक पेन डे का चार्ज करना पड़ेगा। बट देखते हैं उसको कैसे हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो अराउंड 10,000 प्लस बंदे रहेंगे एक लाइव में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप आइए, ज्वाइन होते जाइए, फॉर्म फिल करके सबमिट कर दो, सबको ऐड कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना आप सीखने के इच्छुक हो, जो सीखना चाह रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है। अपन को इंटरेस्ट है सिखाने में, अपने को ठीक लग रहा है, हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद एक अपना प्रो स्केल्पिंग वाला एक कंप्लीट एक मास्टर क्लास आने वाली है, तो उसके बारे में आपको मैं कुछ टाइम बाद डिस्कस करूंगा। फिर एक स्ट्रेटजी है रिले स्केल्पिंग, मेरे पास 3 से 4 स्ट्रेटजीज है, मैं एक ही स्ट्रेटजी अभी आपको शेयर किया हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिग बार सेटअप, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, मतलब मेरे को उस पर अपने इस सेटअप बहुत बिलीव रहता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं इस पर काम किया हूँ, तो मुझे आता है। बाकी 9 AMA पे रिटेस्ट है ना, रिटेस्ट वाला स्कैल्पिंग एक स्ट्रेटजी है, वो आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगा कि वो वाली स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पर कंप्लीट मेरा जो लॉस वाला फेज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो आई थिंक आपको लाइव वाले क्लासेस में दिखा दूंगा चीज़ की कैसे 2-3 साल का लॉस विद इन मंथ कवर हो सकता है, अगर आपका एक चीज़ आपका इंप्रूवमेंट कर लो, सिर्फ 1 से 2 चीज़ अगर आप अपने आप पर गलतियाँ पकड़ के उसको इम्प्रूव कर दो, तो 2 से 3 महीने लगेंगे आपके 1-2 साल का पूरा जर्नी चेंज करने में, ठीक है। तो आप इन्वॉल्व कर लीजिए, है ना, और इस वीक के अंदर सबको ऐड हो जाए, मिल जाएगा, हमने पब्लिश कर दिया है कोर्स वैसे ऐप के अंदर, ओके। तो आपको मिलते हैं ऐप के अंदर क्लासेस में। बाकी यही था मेरा आज के ट्रेड्स, ठीक है। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो घंटी बटन जरूर दबा देना, 8 बजे मेरा ब्लॉग आ जाता है डेली का डेली। और इसी ब्लॉगिंग में मैं आपको ट्राई करूंगा कुछ ट्रेड्स को, मैं जो ट्रेड्स जैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं, तो उसको किसी अलग तरीके से, क्योंकि मैं स्कैल्प करता हूं, आपने मेरा एक लाइव देखा होगा, मैं स्कैल्प में बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, अब उसको रिकॉर्ड करना ही करना चीज़ें सोबाजी करना वो ठीक नहीं है, अपना जो ट्रेड हो गया उसके बाद चीज़ें मैं आराम से कर पाता हूं, ठीक है। तो ताकि वो रिकॉर्ड भी चीज़ें होते थे उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।